अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे और फिट होंगे। तो आज की वीडियो किस पे है? आज की वीडियो मेरी बर्थडे पे है। तो आज मेरी बर्थडे है, 24 जून है आज, लेकिन आज है थर्सडे। तो उस्मान को ऑफिस जाना पड़ा, इसलिए वो ऑफिस चले गए हैं और आप पीछे में और मैं अकेले हैं। तो मैंने सोचा क्या करूं अब अपनी बर्थडे पे। तो फिर मुझे ख्याल आया कि चलो थोड़ा वो तैयार हो जाते हैं और अपनी बर्थडे पे खुद ही कुछ कर लेते हैं। तो मैंने सोचा है कि हम पहले तैयार होते हैं और उसके बाद हम कुछ करते हैं, पहले तैयार हो लें फिर करते हैं। तो ये देखिए जी, मैं तैयार हो गई हूँ बिल्कुल। मैंने थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा मेकअप किया, लिपस्टिक थोड़ी डार्क कर दिया है क्योंकि रेड मेरा फेवरेट है। तो अब हम चलते हैं किचन में और अपनी फेवरेट चीज बनाते हैं खुद ही। तो मैं बना रही हूँ गोलगप्पे, जो कि मेरे बहुत फेवरेट हैं। तो खाना भी मुझे बनाना है क्योंकि उस्मान ने मुझे बोला था कि आज हम चलते हैं, शाम को डिनर कर लेते हैं। मैंने कहा नो, आज हम नहीं जाएंगे क्योंकि उस्मान का ऑफिस था, वापिस आके फिर मजा नहीं आता। तो हमने सोचा कि हम सैटरडे को डिनर करने जाएंगे, लेकिन तो फिर आज तो नहीं जा रहे, आज तो मुझे साथ खाना भी बनाना है। रात को 12 बजे हम लोगों ने केक कट करना था। उस्मान मेरे लिए केक लेके आए थे, और लेकिन हुआ ये कि मिकाइल सो गया था, जिसकी वजह से मैंने केक कट नहीं किया। उसके बिना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसको बड़ा शौक होता है कैंडल्स लगा के केक कट करना, फिर कैंडल्स को फू करना। वो बार बार मुझे कहता है कि मुझे फू करना है कैंडल को। तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि नहीं यार, वो सो गया है तो मुझे अच्छा नहीं लगा उसके बिना केक कट करना, इसलिए आज शाम को हम केक कट करेंगे जब उस्मान ऑफिस से आ जाएंगे, और मिकाइल भी देख लेगा और वो खुश हो जाएगा। बाय द वे, मैंने मिकाइल को भी तैयार किया है अपने साथ मैचिंग ड्रेस में, और अब चलते हैं नीचे और बनाते हैं गोलगप्पे। मिकाइल, व्हाट आर यू डूइंग? आ जाओ। चलिए जी, अब हम किचन में आ गए हैं और शुरू करते हैं गोलगप्पे बनाना। खाना आपको? तो अब मैं यहाँ पे काट रही हूँ प्याज, और मेरे पास एक ही था और खत्म हो गया है, तो वो भी खराब हो गया है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो निकल ही आया है। अब हम बना लेते हैं गोलगप्पों का पानी, जो कि मैं बनाऊंगी एक इमली वाला पानी बनाऊंगी और एक ग्रीन चिली और धनिया वाला। तो चलिए मैं जल्दी से
ये वाला मीठा है और ये वाला स्पाइसी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं गोलगप्पा खाना। नो मोर इतने मजे के बने कि मैं आपको कैसे बताऊं। ये लो, ये खा के खाओ, पहले खा के तो हम क्या बना रहे हैं? बिग ट्रक। ये तो ब्लू है, ये कौन सा है? जूस कलर है। ओके, जूस कलर है ये। ओके, ये कौन सा कलर है? जूस कलर है। ये ग्रीन है। ओके, ये कौन सा है? पर्पल है। ओके, ये कौन सा है? ब्लू है। ओके, ये कौन सा है? मिकाइल। ये कौन सा कलर है? रेड। तो जी, गोलगप्पे खाने के बाद मैंने थोड़ा सा टाइम मिकाइल के साथ स्पेंड किया, उसके साथ उसका फेवरेट ट्रक बनाया। आई डोंट नो ये ट्रक था कि बिल्डिंग थी कि क्या था, लेकिन वो जब भी ब्लॉक्स के साथ खेलता है वो यही कहता है कि मैं एक बिग ट्रक बना रहा हूँ। तो उसके साथ बस मैंने अच्छे से टाइम स्पेंड किया, आज कुछ ज़्यादा किया था ताकि उसको अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे, क्योंकि काम मैंने सारे कल कर लिए थे, मुझे आज के लिए ज़्यादा काम नहीं थे, बस खाना ही बनाना था और मिकाइल के साथ टाइम स्पेंड करना था। उसके बाद जी यहाँ पे अब मैं खाना बना रही हूँ। खाने में मैंने कुछ भी स्पेशल नहीं किया था, नॉर्मल सा मैंने बना लिया था, चना पुलाव बना लिया था, क्योंकि मैंने गोलगप्पों के लिए जो चने बॉईल किए थे वो बच गए थे, तो मैंने सोचा कि अब क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने चना पुलाव बना लिया था। यहाँ पे तो मैंने कोई डेकोरेशन वेशन तो करनी नहीं है, अपनी बर्थडे पे क्या खुद से डेकोरेशन करना, और उस्मान को ये सब चीज़ें नहीं आती हैं तो कोई मसला नहीं है। और वैसे भी ये मैं इसलिए बैलून को कर रही हूँ क्योंकि मिकाइल को बहुत अच्छे लगते हैं और मिकाइल उनके साथ खेल रहा था, तो मैंने कहा यही मेरी बर्थडे सेलिब्रेशन हो जाएगी, मिकाइल बैलून के साथ खेल लेगा। तो ये देखिए जी, वो बड़ा खुश था इनके साथ खेल के, क्योंकि वैसे तो आप नॉर्मली तो घर में ये रखते नहीं हो, क्योंकि इनके ऊपर सारी डस्ट बाल जितना भी सब कुछ होता है ना इसके ऊपर चिपक जाता है, तो इस वजह से मैं अवॉइड ही करती हूँ। क्यों करेंगे ना? इधर मेरे साथ हूँ। वो डैडी का रहे ना, डैडी का इधर हो, थोड़ा सा इधर हो, आप नहीं आ रहे हो। छू ले, इधर 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 लेके आ रहा हूँ, इधर लेके आ रहा हूँ। चला गया।
आपके तुम सही कह रही थी यार। मैं तो सिर्फ फाकता हूँ आपको, फिर करना इधर आओ, इधर उठाऊ आपको, फिर तू करना चलो चलो। गो हैप्पी बर्थडे टू यू, चलो फू करो ये होगी। ओके ओके मिकाइल फू करेगा, फू करो चलो। आ गया आ गया रखो सब इधर, चलो बैठो आप केक खाओ। मोनी पहले केक खा लो ना, पहले आओ काटने डैडी। दो मिनट गाँव आओ फिर आपको कर अच्छा इसको इसको लगने दो ना पहले, लगने तो दो आप तो लगने दो चलो। ओके फूका लो फूका लो, हैप्पी बर्थडे। चलो ओके कट करें, चलो हैंडी हैंडी लेके आओ केक कट कर। अच्छा ना केक आओ, ओके ओके कट कर। हैप्पी बर्थडे टू मॉमी, निकाल से मॉमी। Happy birthday to mommy. Yay! Yummy? बस लास्ट हम लोग आधा केक खा चुके हैं, वो नहीं खाना। ओके ओके नो मोर केक। तो चले जी, हमने केक कट कर लिया था, उसके बाद मैंने और मिकाइल ने आधे से भी ज़्यादा केक खा लिया, जो कि अच्छी बात नहीं है। और अब हम लोग आ गए थे सैटरडे को अपना गिफ्ट लेने, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रही इस दफ़ा मैं क्या लूँ। तो सोचा कि कोई पेंडेंट वेंडेंट ले लेती हूँ। और यहाँ पे हम लोगों ने पहले थोड़ी सी शॉपिंग की और उसके बाद हम लोग चले गए थे डिनर पे। तो हम लोग आए थे एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे जिसका नाम है स्पाइसी ईट या स्पाइसी टाइम, इन दोनों में से कुछ एक था। ये बड़ा ही प्यारा सा था, इसका खाना भी अच्छा था, इतना भी बुरा नहीं था। राइस जो थे सिर्फ वो नहीं अच्छे थे, लेकिन बीफ कबाब और जो हमने एक न्यू चीज़ ट्राई की थी जो कि मैंने पहले कभी नहीं खाई हुई थी, वो थी आफ्ताब कढ़ाही, जो कि बहुत टेस्टी थी। और जो बीफ कबाब थे वो भी बहुत अच्छे थे, बिल्कुल मतलब ना ही तो ज़्यादा स्पाइसी थे और ना ही इनमें स्पाइस कम था, बिल्कुल माइल्ड सा था। और उसके बाद यहाँ पे जी जो इनके गार्लिक नान थे ना, वो तो बहुत ही टेस्टी थे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है किसी भी आप पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में चले जाएँ, आपको नान वैसा नहीं मिल रहा होता, मतलब उसका टेस्ट वैसा नहीं होता जो पाकिस्तान में होता है, लेकिन इनके नान का टेस्ट बहुत यमी था। और आज सबसे अच्छी बात
थी ना वो ये थी कि मिकाइल मैं घर से निकली और मिकाइल सो गया। इतने आराम से मैंने शॉपिंग की, जो जो मुझे चाहिए था वो मैंने लिया। बड़े ही सुकून से मैंने और उस्मान ने मिलके गिफ्ट डिसाइड किया कि हाँ भाई ये अच्छा है ये ले लेते हैं। और खाना भी मैंने बड़े ही सुकून से खाया क्योंकि मिकाइल सो रहा था। और जो ही हम लोग खाना खा चुके मिकाइल उस टाइम उठा और फिर मिकाइल को मैंने आराम से खाना खिला लिया था। और यहाँ पर मैंने ऑर्डर की थी लस्सी स्वीट वाली जो कि बहुत टेस्टी थी, मतलब मज़ा आ गया। और इसके बाद ये है जी गिफ्ट, और जो कि मैंने खुद से खुद ही पसंद किया है, और ये कुछ हमने पिक्चर्स ली थी। तो चले जी यहाँ पे हमारा वीडियो होती है एंड। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।